दोस्तों आज बात करेंगे पेरिस एलिसिस ब्रांड के टॉप 5 परफ्यूम्स के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि पेरिस एलिसिस परफ्यूम्स का नाम आप पहली बार सुन रहे हो, पर यह ब्रांड 30 साल पुराना है। 1990 में इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी एंड इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, और अब इन्होंने अपने फ्रेग्रेंसेस इंडिया में भी लॉन्च किए हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ नए ब्रांड्स को ढूंढता रहता हूँ, कुछ नए फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, सो दैट मैं आप लोगों को भी अपडेटेड रख सकूँ। तो इनकी पूरी रेंज में से मैंने कुछ 5 परफ्यूम्स चूज किए हैं जो मुझे हो सकता है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। एंड द गुड न्यूज इज दे ऑल आर इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ एक्सपेंसिव डिजाइनर परफ्यूम्स बट एट अफोर्डेबल प्राइजेस। और इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों के लिए कि मैं आपको कुछ ऐसे परफ्यूम्स बताऊं, जो मैं 5 परफ्यूम्स आपको बताने वाला हूं, हो सकता है कि वो परफ्यूम्स के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो पहले किसी ने भी नहीं बताए होंगे या बहुत कम बताए होंगे। खुशबू की बात करने से पहले मैं आपको इस ब्रांड के रिलेटेड कुछ हाईलाइट्स बताना चाहता हूं जो कि मैंने इनकी अपनी वेबसाइट से उठाए हैं। सबसे पहला तो ये दैट बीइंग एन इंटरनेशनल ब्रांड, इनके जितने भी परफ्यूम्स हैं या जितनी भी क्रिएशंस हैं उनको एक टेस्टिंग प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है, बिकॉज दे कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड बाय इफ्रा, विच इज इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहकर भी ये अपने परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस के अंदर लो ग्रेड क्वालिटी या चीप ग्रेड क्वालिटी मटीरियल नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आज मैं आपको 5 परफ्यूम्स बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे EDT वर्जन हैं, ऑडिट टॉयलेट वर्जन हैं, तो जिनकी परफॉर्मेंस आपको EDT के हिसाब से ही मिलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करके आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने फ्रेग्रेंसेस के ऊपर EDP लिखते तो हैं, लेकिन वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस EDT के बराबर भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी ऑनेस्ट है, वेयर दे आर राइटिंग EDT, और जो आपको परफॉर्मेंस है या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो EDT के हिसाब से ही मिलती है। तो शुरुआत करता हूँ मैं इनके वोडका डायमंड परफ्यूम से। अब वोडका इन्होंने अपनी एक इंटेंस परफ्यूम की सीरीज का नाम रखा है, और उस पूरी सीरीज में से मैंने इनके 2 परफ्यूम्स को यूज़ किया है जिनके नाम है वोडका डायमंड एंड वोडका इन टाइम। बात करूँ वोडका डायमंड की तो ये एक क्लीन फ्रेश एरोमेटिक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है विद सम एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस। अब ये एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये 5 के 5 फ्रेग्रेंसेज इंस्पायर्ड वर्जन हैं, क्लोन्स हैं, या आप ये कह सकते हैं अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव हैं। और ये वाला फ्रेग्रेंस भी एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का स्मेल अलाइक है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अभी तक अगर आपने उस परफ्यूम को यूज़ नहीं किया है तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप इस फ्रेग्रेंस को यूज़ करके देखिए, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी क्लोज फील ऑफ इट। और ये किस फ्रेग्रेंस का स्मेल अलाइक है तो उसका नाम है ड्राका नॉयर। अब जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस आपको इसके अंदर मिलती है, तो जो ड्राका नॉयर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरोमेटिक है, लेकिन जो इनका वोडका डायमंड है यहाँ पे आपको वो एरोमेटिकनेस तो मिलती ही मिलती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्राका नॉयर से बेटर मिलती है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इनके फ्रेग्रेंसेज हैं वो सारे के सारे EDT हैं, तो जो इसकी परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो 5 से 6 घंटे के आसपास मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रोजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, बट डेफिनेटली इट स्टेज ऑन योर क्लोथ्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करूँ इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो करीबन 700 से 800 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है फॉर 100 ml क्वांटिटी। और अगर आप इससे किसी भी वेबसाइट पर ढूंढेंगे, जैसे जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसमें मिंत्रा है, नायका है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो सारी जगह पे ये इजीली अवेलेबल है। अब वोडका सीरीज में जो मैंने इनका दूसरा परफ्यूम ट्राई किया था उसका नाम है वोडका द टाइम। अब इसकी खुशबू को बताने से पहले एक छोटी सी मैं आपको इनकी इस बॉटल के रिलेटेड एक कमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि इनके जो बॉटल के कैप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी का बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं अपनी इस वीडियो के जरिए उनको एडवाइस देना चाहता हूँ दैट दे शुड वर्क ऑन द कैप्स ऑफ देयर बॉटल्स। अदरवाइज अगर बॉटल की बात करूँ तो बॉटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्वालिटी इज लाइक डिसेंट, बहुत ऐसा एक्सेप्शनल प्रीमियम क्वालिटी की भी बॉटल्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं सुंदर बॉटल्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी एनग्रेविंग भी दिखेगी।
अब बात करूं इसकी खुशबू की, तो जो वोडका द टाइम परफ्यूम है, ये भी क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, लेकिन अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी खुशबू थोड़ी सी माइल्ड है, बट स्टिल बहुत ही पसंद किया जाता है। और इनके जितने भी परफ्यूम्स हैं बड़े एक अट्रैक्टिव गिफ्ट बैग में आपको मिलते हैं। अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो ये सिट्रसी है, स्पाइसी है, वुडी है, और ये एक बड़ा ही अच्छा डेली कैजुअल वेयर है, या अगर आप इसको डेली ऑफिस के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा डेली ऑफिस वेयर भी है। और एक जो अच्छी चीज़ है दैट इट हैज़ अ वेरी नोटिसेबल प्रोजेक्शन, पहले एक घंटे तक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको लेकर देता है। और ये किस फ्रेग्रेंस का स्मेल लाइक है या किसका ये क्लोन है, तो उसका नाम है टेरे डी हर्मिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है, और हो सकता है कि आपने उसके क्लोन्स के बारे में बहुत कम सुना हो, या किसी ने मतलब बहुत कम लोगों ने उसके क्लोन्स के बारे में बताया हो। और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी आपको कहीं ना कहीं सेम ही मिलती है, 5 से 6 घंटे के आसपास आपको इसकी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन स्टिल इट स्टेज ऑन योर क्लोथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं सुबह, अगर आप लगा के जाएंगे कहीं ना कहीं शाम होने पर घर लौटने तक आपके ये कपड़ों के ऊपर टिका रहेगा। इसकी कीमत भी 700 से 800 रुपये के बीच में ही है। अब तीसरे नंबर पे इनकी एक और सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। उस कलेक्शन को इन्होंने नाम दिया है कैवियार, और उस कलेक्शन में से मैंने 2 परफ्यूम्स को ट्राई किया है जिनके नाम है एम्बर कैवियार एंड ब्लैक कैवियार। बात करूं एम्बर कैवियार की, पर्सनली मुझे ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, इंटैक्ट हैं। हाउ, अगर इसकी बॉटल की बात करूं तो पर्सनली मुझे इसकी बॉटल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो इसकी बॉटल है इसकी क्वालिटी इज़ बेटर देन दी वोडका कलेक्शन और वोडका सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही ब्रांडिंग की एनग्रेविंग दिखेगी, साइड पे आपको सीरीज़ की एनग्रेविंग दिखेगी। खुशबू की अगर बात करूं एम्बर कैवियार की, तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये भी एक फ्रेश एरोमेटिक और वुडी टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, सम वॉट इन द लाइन्स ऑफ टेरे डी हर्मिस। अब मैंने देखा है कि ऐसी फ्रेग्रेंसेस का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज अब लोगों को फ्रेश फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आने लग गई हैं। उसका कारण जो मुझे समझ आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग बोर हो चुके हुए हैं सेम वही क्रीड एवेंटस के क्लोन्स को लगा के, डियोर सवाज के क्लोन्स को लगा के। नाउ पीपल रियली वॉन्ट समथिंग न्यू, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपको इसका क्लोन बताते हुए, बिकॉज ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है वो फ्रेग्रेंस ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली किसी ने भी इसके क्लोन के बारे में आपको नहीं बताया है। अब ये किसका क्लोन है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट को मैं आपको ज़्यादा आपके सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि ये क्लोन है एबरक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स फ्रेग्रेंस का। अब ये नाम भी हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, बट टू बी ऑनेस्ट दिस फ्रेग्रेंस इज रियली अ मास्टरपीस, और अभी तक अगर आपने उसको ट्राई नहीं किया है तो आप इस फ्रेग्रेंस के जरिए उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसका मजा उठा सकते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आपको 5 से 6 घंटे के आसपास मिलता है, और जो इसकी प्राइस है वो भी सॉमवर्ट 700 से 800 की रेंज में ही है। अब अगला जो परफ्यूम है वो पाको रबान के 1 मिलियन से इंस्पायर्ड है, और उसका नाम है बिलियन फॉर मेन। यहाँ पे इन्होंने खुशबू भी मैच कर दी है, कहीं ना कहीं वाइब्स भी मैच कर दी हैं, पर मुझे इसका परफॉर्मेंस वीक लगा है, इसका प्रोजेक्शन भी वीक है, इसका जो ये कहते हैं कि लास्टिंग है वो भी वीक है। पर अगर आपको यहाँ पे 1 मिलियन का थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, बिकॉज जो 1 मिलियन है पाको रबान का वो बहुत ज़्यादा हैवी फ्रेग्रेंस है, इंटेंस फ्रेग्रेंस है, लेकिन अगर आपको सेम खुशबू का मज़ा थोड़ी सी कम इंटेंसिटी में चाहिए, आपको लगता है कि वो फ्रेग्रेंस आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाती है, डिस्टर्ब करती है आपको कहीं ना कहीं, और आपको उसका ही माइल्डर वर्जन चाहिए, खुशबू का जॉनरे आपको पसंद है लेकिन आपको खुशबू हैवी लगती है, तो अगर आपको उसका माइल्ड वर्जन चाहिए तो आप इसका बिलियन फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो आपको अंडर 700 के आसपास मिल जाती है, करीबन 670 रुपये में ही आपको मिल जाता है। अब नंबर 1 पे है इनका कैवियार कलेक्शन का ब्लैक फ्रेग्रेंस। अब जो ये ब्लैक फ्रेग्रेंस है ये भी क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, जिसके ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ना ही आपको किसी ने बताए होंगे। इट्स अ वेरी गुड फॉर्मल वेयर, बड़ा अच्छा डेट वेयर है, वेडिंग के लिए बड़ा अच्छा है। इन द नटशेल ये एक ऐसी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जो किसी भी मौके के लिए एक बड़ी अच्छी सूटेबल चॉइस है, बिकॉज इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये सिट्रसी है, स्पाइसी है, एरोमेटिक है और स्मोकी है। अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, पहले 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्ट करता है, ज़बरदस्त प्रोजेक्शन है इसकी, और लास्टिंग भी आपको बड़ी अच्छी मिलती है। और ये क्लोन है अरमानी कोड का। अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो 700 से 800 रुपये में आपको इसकी 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कहीं ना कहीं इसने फील गुड करवाया होगा, बिकॉज आज मैंने आपको अगेन एक अच्छे और नए और पॉपुलर ब्रांड के बारे में बताया है, जो कि हो सकता है कि जिसका नाम आपने पहले ना सुना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस फैमिली को थोड़ा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए इन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक इंतज़ार तो करिए ही करिए, लेकिन महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जॉय लाइफ, टेक केयर।